सत श्री अकाल, सलाम अदाब नमस्कार जी सारिया नू। मैं हाँ गुरमीत कौर, पिंड पंजाब दे चैनल ते थोड़ा स्वागत है। हुण जिहड़ा टाइम है जी 5:30 हो गए ने, 5:28 होए हुए ने। असी हुणे हुणे पिंड तो चलेंगे ते अज मैं ना अपने पेका पिंड जा रही हाँ जी। बस असी 4 किलोमीटर ही लंघ के आए हैं, 5 घर तो लेट हो गए जी। फिर औखा सी घर, मझां दीआं धारां धूरां कढ के आएंगे तो सवेर दियाँ धारा किसी को कह के आया ना, अपने घर पै जाएंगे ने, सवेर दियाँ धारा कट देंगे तो शाम वेले असं चले जावे। ध्यान रोड आ गया मुझे तीजा कमाने से नहीं गए सरपंच की पिछले साल पिछली प्लान तो आप गड्डी आ जी रोड से अपनी चढ़ गई है। ये चीमा साहिब वाला रोड हैगा जिहड़ा सनाम तो चीमे रोड जाता वो उपर आप हूँ। बस इस तरह जी भी लाइटा पैन तो पहला ना आप पिंड पहुंचे जी। 40 मिनट लग जाते हैं, चाहे गड्डी है चाहे स्कूटी मोटरसाइकिल पर जाइए, 40-45 मिनट लग जाते हैं। तो बाकी यह मोड़ भी है जो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, हौली चलो जी हौली। इतने ना खूनी मोड़ है, ये बिल्कुल इस तरह करके मोड़ बिंगवला वाला मोड़ है ये। तुम सुनया होगा इन खूनी मोड़ कहा जाता, बहुत ज़्यादा जी सड़क हैगी बहुत डूंघाई वाला मोड़ है, काफ़ी ज़्यादा ये वास्ते धरने वगैरह भी लगे हुए हैं भी तुम ये मोड़ न क्ढो, पर कोई भी सरकार असर नहीं करती है, बहुत ज़्यादा नुकसान होंगे है। चलो जी कैमरे की डायरेक्शन चेंज करके ना मैं थोड़ा वो मोड़ दिखाई हाँ, तो तुम अपनी राय जरूर दो भी यह मोड़ है जोड़ा बदलना चाहिए ज ना, आप दिखाने सू उधर। ये देखो उंज तो सरकार ने ना इतने निर्देश दिए हुए हैं भी यह मोड़ है जोड़ा भी हौली चलो, हंप बहुत बनाए हुए ने, पर फिर भी जी कई बार कोई गड्डी स्पीड पर आँदी है आप का खतरा हो जाता, नाल दूसरे नू भी खतरा कर दिंदी है गड्डी आँदी होंगी। बहुत ज़्यादा मोड़ है इतों, तुम देखो बिल्कुल भी कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा कि भी अगे कुछ आँदा हो जा ना, जे थोड़ी जी भी गड्डी स्पीड नाल सिद्धम सिद्धी जाके अगे टक्कर लग जाती है, इस तरह का मोड़ है ये। तुसी भी इस रोड तो गुजरते होवोगे, कदे गुजरे होवोगे तो तुहानू पता होगा, बस बिल्कुल हौली स्पीड सारे नू वधिया जी, क्योंकि जी कुछ नहीं हुंदा जी आपां थोड़ा मोटा लेट हो जाएंगे, अज असीं तां घरों ही लेट हो गए। एक मोड़ ये एक अगे जाके होर आऊगा, ये दो मोड़ दे सड़क के उपर, इत्थे थोड़ी जी जगह थी देखो किन्ना बिल्कुल गलाई वाला मोड़ है, उस भी अगे तो दिसदा नहीं हैगा। सेम जो भी मेरे को आना ना ये मेन रोड उपर की नहीं आता, मास्टर जी ने इधर मेन रोड उपर की लै लिया, वो अमृत के पिंड विच दी लंघदा हुंदा जो भी आवे, कहिंदा भी ये रोड वाला खतरनाक हैगा, पर मास्टर जी ने इधर की लै लिया, कहिंदे जल्दी चले जावांगे क्योंकि जी जिहड़ी चीमा साहिब शहर की सड़क वह भी खराब है, तो इधर फिर पिंडां वालियां सड़कां तुहानू पता ही है सिंगल जिहियां खराब ही हुंदियां ने, टुटियां भज्जियां जिहियां सड़कां ने, बस रोड ते आला जल्दी पहुँच जांदा, थोड़े जिहे मोड़ तां इत्थे हैगे ने। लो जी आप आ गए चीमा शहर के विच, मेन रोड है ये, तो हनेरा बिल्कुल नहीं होया, अजे टाइम है जिहड़ा 5:34 होए ने, पता नहीं क्यों बहुत जल्दी लोग लाइट्स ला लेंदे ने, लाइटां नाल ही हनेरा लगन लग जांदा, अजे गड्डी नूं लाइटां लाउण वाला तां कुछ चक्कर है ही नहीं है, पता नहीं क्यों जल्दी लाइटां लाउंदे ने। लो जी आप झाड़ो पहुँच चुके हैं, यह झाड़ो हैगा चीमिया तो 4 किलोमीटर दूर, तो मेरा मेन मकसद ये हों भी जो मैं कित जा रही हूँ ना तो थोड़ा मोटा पिंड बारे दसती रहा,
ਤਾਂ ਕਿ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਰਹੇ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਨਾ ਵਧੀਆ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨੇ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਝਾੜੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਝਾੜੋਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ 3-4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈਗਾ ਜੀ ਤੋਗਾਵਾਲ ਪਿੰਡ ਆਊਗਾ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੋਗਾਵਾਲ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਲਓ ਜੀ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਤੋਗਾਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੋਈ ਕੋਈ ਲਾਈਟ ਲੱਗਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਤੁਰੇ ਸੀ ਘਰੋਂ, 5:20 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਚੱਲੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਰਾ 28 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਦੀ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਹੁਣ ਢੱਡਰੀਆਂ, ਤੋਗਾਵਾਲ ਤੋਂ ਢੱਡਰੀਆਂ। ਤੋਗਾਵਾਲ ਅਤੇ ਢੱਡਰੀਆਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 1.5-2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਘਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਢੱਡਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲੇ। ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਸਬਾ ਟਾਈਪ ਜਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਅਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪਿੰਡ ਨੇ। ਰਫੂਜੀਆਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ ਢੱਡਰੀਆਂ, ਸਾਹੋ ਕੇ, ਰੱਤੋ ਕੇ, ਤਕੀਪੁਰ। ਬਸ ਇਸ ਤੋਂ 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਢੱਡਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਬੋਰਡ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਹੈਗਾ ਢੱਡਰੀਆਂ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜੀ ਆ ਜੂਗਾ। ਲਓ ਜੀ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਦ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਬੋਰਡ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਨਾ ਡੇਰਾ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਡੇਰਾ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਬਿੰਦ ਝੱਟ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਪਾਪਾ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਡੇਰੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਵੀ ਡੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਣੇ, ਇਹਨੂੰ ਡੇਰਾ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਡੇਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਚਲੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਆ ਗਏ ਹਾਂਗੇ ਘਰ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਗਲੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਮੋੜ ਦਿਆਂਗੇ ਇੱਥੋਂ। ਇਹ ਗਲੀ ਸਾਡੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਨੂੰ। ਵੱਡੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਦਾ ਘਰ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਾਂ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਿਆ ਗਾ। ਹੋਰ ਇਹ ਗਲੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਬਸ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਖੇਤ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਖੇਤ ਹੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਿਲਦੇ, ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਲੈ ਕੇ। ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਆਉਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਲਾਈਟਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਆ ਕੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੂਡ ਆਫ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਸਾਡੇ ਪਾਪਾ ਅੱਗੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ, ਆਉਣ ਸਾਰ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਸਵੇਰ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈਗੀ। ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਕਰ ਲਏ ਨੇ, ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈਗੀ, ਅਤੇ ਅਜੇ ਰੋਟੀ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮੰਮੀ ਉਰੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਓ, ਵੀ ਲੇਟ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਨੂੰ।
ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੋ ਜੀ ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਜਮੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਓ ਜਲਦੀ ਵੀ ਲੇਟ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਆਓ ਪਹਿਲਾਂ जेड़ा है अचार बनाया ना बड़ी मिर्च औला ते अदरक ये तरसेम ने बनाया इन्हें बहुत ज़्यादा शौक है अचार बनाने का दाल सब्जियां बनाने का मैं कदे ना रेसिपी तो शेयर करवाऊंगी तरसेम तो मैं हूं थोनू ना तरसेम का ट्रैक्टर दिखाने पिछली वीडियो विच एक व्यूअर का फोन भी आया मैंने पता नहीं केड़ी कंपनी की सी मैंने इंज पता से भी अर्जन नोवा है भी अगे कि है मैं नहीं सी पता लो जी तुम वेख लो ट्रैक्टर पहला तरसेम को प्रीत हों व्यूअर भी पूछते पहला को प्रीत ट्रैक्टर हों से इन्हें प्रीत आपका बेचता फिर ये लै लिया पहला को दूसरा हों फिर इन्हें प्रीत लै लिया उस तो बाद लै लिया दो तीन ट्रैक्टर इन्हें बदल दते ने इधर छोटा भाई आया छोटा भाई बोलते हैं इन्हों ये मेरे ताया जी का बेटा है जिहड़ा बड़ा बेटा है उन्होंने बोलिया जाता बड़ा भाई इन्हों बोलिया जाता छोटा भाई पहला तो अस इस तरह ही बोलते हैं इन्हों का कदम नाम नहीं लिया है बड़ा भाई छोटा भाई बोलते हैं बाद देखूंगी मैं आपे खा लूं आपे कदों खाऊंगी अरे भुख नहीं चलो जी ना आप व्लॉग का एंड इत्थे कर देंगे आप नैक्सट व्लॉग इतों ही शुरू कर लाँगे फिलहाल अज इत्थे एंड कर दें तो आप हुण खेत चल देंगे तरसेम नूं लैके तरसेम का खेत दिखाने सब्जी विखाने गे नाले जिहड़े उहदे संद संदेड़ा खड़ा वह विखाने गे तो नाले तुहानूं तुसीं कहिंदे सी परी नहीं विखाई परी की मम्मी जिहड़ी तरसेम मेरे कोल झोटी लैके आए सी वह विखावांगे ये सारा कुछ आप दिखावे जी नैक्सट ब्लॉग के हूँ एंड इतें करते हैं जी चैनल पर नवे हो प्लीज़ सबसक्राइब जरूर करो मिलते हैं नैक्सट ब्लॉग के नाल तद तक दे सत श्री अकाल मेरे वसदा रहे पंजाब खुश रहो आबाद रहो हसते रहो वसते रहो।